चोटी काट ली, जय श्री राम मुट्ठी में है। ये जो तीन शब्द हैं, इन तीन शब्दों का या तीन जो बातें हैं, तीन कोड वर्ड्स हैं, इनका कनेक्शन है कृष्णानंद राय हत्याकांड से। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। तो मुख्तार अंसारी, जिसका नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में है, इसको समझने के लिए कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ कैसे, कब, इसको समझते हैं, पूरी कहानी क्या है। देखिए, नवंबर 2005 की बात है, कृष्णानंद राय जो कि बीजेपी के विधायक थे, उनकी हत्या कर दी गई। राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे, जो कि मुख्तार अंसारी का शूटर था, उसने षड्यंत्र रच के कृष्णानंद राय पर हमला किया और बर्स्ट फायरिंग की गई। AK-47 से लगभग 500 गोलियां दागी गई और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कृष्णानंद राय भी थे। कृष्णानंद राय की बॉडी से 67 गोलियां निकाली गई। लेकिन जो दिलचस्प बात है इस पूरे हत्याकांड में, वो ये है कि ये जो पूरा मर्डर था, ये मुख्तार अंसारी को कहीं दूर फोन पे सुनाया जा रहा था। यानी कि जब ये गोलियां चल रही थी, जब कृष्णानंद राय पर अटैक किया जा रहा था, तो ये सारी चीजें फोन पर मुख्तार सुन रहा था। और हत्या करने के बाद जो मैंने शुरू में तीन कोड वर्ड्स बोले, चोटी काट ली, जय श्री राम मुट्ठी में है, ये दरअसल कोड वर्ड थे, और ये बताने के लिए कि ये काम हो गया है। और कृष्णानंद राय चोटी रखते थे, तो उनकी चोटी काटी। राकेश पांडे, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और ये सबूत के तौर पर मुख्तार अंसारी को दिखाया गया कि भाई ये काम हो गया। अब ये जो दुश्मनी थी, ये विधायकी के चुनाव को लेकर थी। अफजाल अंसारी चुनाव लड़े, हार गए, और 2002 में चुनाव हारे, लेकिन 2005 में इस चीज़ का बदला लिया गया। तो कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ी ये एक बहुत ही अजीब सी कहानी है, लेकिन ये वाकया पूरा फ़ोन पे रिकॉर्ड भी हुआ, ये ऑडियोज़ भी बाहर आया, जिससे ये बात पता चली कि उस दौरान ये सब भी हो रहा था।